दोस्तों टैली में आज हम लोग री ऑर्डर लेबल सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक कंपनी बना लेता हूँ। कंपनी का नाम ही मैं री ऑर्डर लेबल रख दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका इन्वेंट्री इन्फो, गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो में एक ऑप्शन आता है रीऑर्डर लेबल का, बट अभी ये डिस्प्ले नहीं कर रहा होगा। इसको लाने के लिए आपको F11 बटन दबाना पड़ेगा और इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यस करना पड़ेगा। सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है मैं यस कर ले रहा हूँ क्योंकि ये जो ऑर्डर से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, री ऑर्डर लेबल। तो देखिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड लेबल, मगर ये हाईलाइटेड नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई भी स्टॉक आइटम नहीं बनाया है। दोस्तों री ऑर्डर लेबल में क्या होता है, जैसे कि आप 5 दिन के लिए आपको कितना सामान चाहिए, आपके स्टॉक में कितना सामान मौजूद है, उसका पूरा जानकारी जो होता है वो आपका रीऑर्डर लेबल में आप मैन्युअली सेट करके रख देते हैं, और जो भी घटता है या बढ़ता है तो वो आपको रीऑर्डर लेबल स्टेटस एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग जाके चेक करेंगे तो वो हमको बताएगा कि आपका ऑर्डर लेबल जो है वो कम है या ज़्यादा है, या फिर मतलब तो जितना आपको ज़रूरत है उतना स्टॉक आपका अवेलेबल है या नहीं है, वो सारा जानकारी वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए पहले कोई ओपनिंग स्टॉक बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीमेंट का ओपनिंग स्टॉक बना लेता हूँ। ओपनिंग स्टॉक मैं सीमेंट का 800 लिख देता हूँ। यहाँ पे रेट मैं इसका 1000 रुपया रख देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे और यहाँ रिकॉर्ड लेबल जो है यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, स्टॉक आइटम का ही कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप नहीं बनाया तो स्टॉक आइटम बनाया, तो स्टॉक आइटम में जाएंगे और उसके बाद देखिए इस तरह से ये रिकॉर्ड लेबल का ऑप्शन जो आएगा ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये देखिए एडवांस है, अगर आप इसको सिंपल में करना चाहते तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका सिंपल आ जाएगा। सिंपल में आपका यहाँ पे रीऑर्डर लेबल दिखाता है, यहाँ पे मिनिमम दिखाएगा, मिनिमम ऑर्डर लेबल, ठीक है। कितना मतलब रीऑर्डर लेबल मीन्स क्या है दोस्तों, कि आपका जो ऑर्डर लेबल है वो आप कितना रखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ 250 पीस रखना चाहता हूँ और मिनिमम मैं 100 बैग रखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पीरियड जो है ये आपका बोल रहा है कितना दिन के लिए, मैं यहाँ 5 दिन के लिए सेट करना चाहता हूँ, यहाँ से डे ले लेंगे, और हाइयर ज़्यादा से ज़्यादा इतना सामान रहना चाहिए। उसके बाद इंटर मार देंगे हम लोग। उसके बाद अभी हम चलते हैं डिस्प्ले में और उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। यहाँ पे दोस्तों आता है रीऑर्डर स्टेटस, यहाँ जाके आप देखेंगे तो देखिए अभी कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी मतलब परचेज ऑर्डर या सेल या परचेज इस तरह का एक्टिविटी हम लोगों ने नहीं किया है। तो फिलहाल ये दिखा रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम लोग के पास इतना है और नेट एबिलिटी भी 800 इतना है, और रीऑर्डर लेवल जो है हम लोग का, हम लोगों ने सेट जो किया था वो यहाँ पे दिखा रहा है 250 बैग, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 100 बैग। ऑर्डर टू बी प्लेस में यहाँ पे अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ये डिस्प्ले करेगा जब हम लोग का ये री ऑर्डर लेबल जो 250 बैग है और स्टॉक सपोज की 200 बचा है, तो उस समय ही ये ऑर्डर टू बी प्लेस जो है ये चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगा, उससे पहले यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो चलिए जाते हैं, पहले हम लोग एक काम करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, उसके बाद F8 में जाते हैं और यहाँ पे एक डेटर अनूप डेटर, ये डेटर है जो सीमेंट हम लोगों से खरीद रहा है, इसको हम सैंडी डेप्टर्स में डाल देते हैं। और यहाँ पे सीमेंट लेंगे हम लोग, नॉट एप्रिशिएबल, नॉट एप्रिशिएबल। क्वांटिटी देखिए दोस्तों, जैसे 800 है मैं इसको 700 दे रहा हूँ, ठीक है, 1250 में दे देता हूँ। यहाँ पे अल्ट सी सेल कर लीजिए,
सेल अकाउंट, चलिए अब चलते हैं हम लोग देखते हैं डिस्प्ले में, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, उसके बाद रिकॉर्ड स्टेटस में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नेट एबिलिटी कितना आ गया है, यहाँ पे आ गया आपका 100 बैग हम लोग के पास बचा हुआ है, लेकिन रीऑर्डर लेवल हम लोग कितना सेट किए थे, हम लोग 250 बैग सेट किए थे। शॉर्टफॉल कितना दिखा रहा है, 150, क्योंकि देखिए दोस्तों हम लोग के पास अभी 100 बैग है, और अभी अगर रीऑर्डर लेवल के साथ अगर हम लोग तुलना करते हैं और सेट करना चाहते हैं तो वो कितना हम लोग को, मतलब कितना का फर्क हो रहा है ये दोनों के बीच में, 250 का, तो ये यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी जो था यहाँ पे आपका 700 बैग हो गया है, और ऑर्डर टू बी प्लेस जो है ये आपका 700 हो गया है, ठीक है। अगर हम लोग अभी परचेज ऑर्डर देंगे, अकाउंटिंग वाउचर में, ऑर्डर वाउचर में जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग परचेज ऑर्डर में जाते हैं, परचेज ऑर्डर में जाने के बाद में कोई डेटर क्रेडिटर है, सोचिए इस बंदे को हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं 600 पीस का ऑर्डर दे दे रहे थे, चलिए देखिए। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर टू बी प्लेस जो है वो हट गया दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नेट एबिलिटी है ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है 700 बैग, मगर दोस्तों इस बार अभी तक हम लोग के स्टॉक आइटम जो है उसमें जो है 700 बैग है नहीं, बट यहाँ नेट अवेलेबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए और एक चीज दिखा रहा होगा, परचेज ऑर्डर पेंडिंग 600, ठीक है। ये इसको इंक्लूड करता है क्लोजिंग स्टॉक आइटम और परचेजिंग ऑर्डर पेंडिंग, ये दोनों को इंक्लूड करेगा, और उसको जोड़ने के बाद में यहाँ पे आपका दिखा रहा है 700 बैग। अब सपोज मान लीजिए कि हम लोग उसी तरह से अगर हम लोग सेल ऑर्डर भी रिसीव कर लेते हैं, ये ऑर्डर वाउचर में हम लोग जाते हैं और यहाँ से हम लोग सेल ऑर्डर में जाएंगे, और कोई बंदा से अगर हम लोग सेल ऑर्डर ले लेते हैं, बंदा का नाम सीमेंट, तो हम लोग के पास 100 बैग है तो हम लोग 50 का सेल ऑर्डर ले ले। ये सेल नहीं है दोस्तों, ये सेल ऑर्डर है, हम लोग जस्ट ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ जाके फिर से जब दोबारा यहाँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और फिर परचेज ऑर्डर सॉरी री ऑर्डर स्टेटस में चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब जो ये नेट एबिलिटी यहाँ पे हम लोग को दिखा रहा है 650 बैग, ठीक है ना। तो ये 650 बैग दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है 650 बैग, क्योंकि यहाँ पे पहले दिखा रहा था 700, मगर अब क्या हो गया है कि ये क्लोजिंग स्टॉक के साथ इसको परचेस ऑर्डर पेंडिंग को जोड़ेगा और सेल ऑर्डर ड्यू जो है उसके साथ इसको घटाएगा, ठीक है ना। तो घटाने के बाद जो बचता है वो नेट एबिलिटी हम लोग को ये डिस्प्ले कर, रीऑर्डर लेवल हम लोग जो सेट किए थे यहाँ पे वही दिखाएगा, और उसके बाद जाके ऑर्डर टू बी प्लेस जो है दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये जो हम लोग का कहा गया रीऑर्डर लेवल ये जब घटेगा, ये तो ये जो घटेगा जितना घटेगा वो हम लोग को शॉर्ट फॉल में दिखाएगा, ठीक है। रीऑर्डर टू बी प्लेस में नहीं, वो हम लोग को शॉर्ट फॉल में दिखाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको रीऑर्डर लेवल समझ में आया होगा, ठीक है। इसको फिर आप परचेज सेल करते जितना भी आप, मतलब आपका सामान आएगा जाएगा तो इस सारा स्टेटस जो है वो हम लोग को कहाँ पता चल जाएगा, वो हम लोग को इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और रीऑर्डर लेबल में जाने से हम लोग को यहाँ पे टोटल सामान का बारे में जानकारी मिलेगी।